अय्यूब 24वां बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। कादरे मुतलिक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो जमीन की हदों को सिरका देते हैं, वो रेवड़ों को जबरदस्ती ले जाते और उन्हें चराते हैं, वो यतीम के गधे को हांक ले जाते हैं, वो बेवा के बैल को गिर्व लेते हैं, वो मोहताज को रास्ते से हटा देते हैं, जमीन के गरीब इकट्ठे छिपते हैं। देखो वो बेयाबान के गोरखरों की तरह अपने काम को जाते और मुशक्कत उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बेयाबान उनके बच्चों के लिए खुराक वहां पहुंचाता है, वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूर की खोशा चीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और जाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं और किसी आड़ के ना होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिर्व लेते हैं, सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पूलियां ढोते हैं। वो इन लोगों के अहातों में तेल निकालते हैं, वो उनके कुंडों में अंगूर रौंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग कराहते हैं और जख्मियों की जान फरियाद करती है, तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं, वो उसकी राहों को नहीं जानते ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है, वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है और रात को वो चोर की मानिंद है। जानी की आंख भी शाम के मुंतजर रहती है, वो कहता है किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सेंध मारते हैं, वो दिन के वक्त छिपे रहते हैं, वो नूर को नहीं जानते क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साये की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेज रौ है, जमीन पर उनका पखरा मलाउन है, वो ताकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती हैं, ऐसा ही कब्र गुनहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजे से खाएगा, उसकी याद फिर ना होगी, नारास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बांज को जो जनती नहीं निगल जाता है और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुवत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है, वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ते से उठा लिए जाते हैं और अनाज की बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा।